ये जो है वो इसका सीरियल नंबर है, ये इसमें अंदर एम्बोज हुआ हुआ है, ग्लास पर साइड अभी तक हम लोग लगा चुके हैं। जिस तरह ये मैंने आपको बताया अभी सिस्टम के हवाले से, तो अगर कोई 25 किलोवाट का सिस्टम है जिसको भी सॉल्यूशन करवानी हो वो इस पर आप विजिट कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एनविरिक्स का लोगो है और ये इसकी डेट ऑफ परचेज है। अच्छा, ये डेट ऑफ परचेज भी इस पर लिख दीजिए, देखिए वारंटी कार्ड है इसका। अच्छा, जिस दिन परचेज होगी उस दिन से स्टार्ट होगी, बाकी जो प्लेटें होती हैं, लेकिन इंद्रेश फादर ने जो है वो इसके अंदर ये पीवी कनेक्टर के साथ लॉन्ग वायर वो 9 एम्पियर तक जाती है। इसकी 10 ईयर्स की वारंटी होती है प्रोडक्ट की, 25 ईयर्स की वारंटी होती है लाइफ। इसका ब्रांड इंद्रेक्स है, इसका मॉडल मस्टैंग है, आप देख सकते हैं ये मस्टैंग मॉडल है। ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 49.80 वोल्ट है, इवन जो है वो 14.01 एम्पियर तक जो है वो काम करती है। इसकी 12 साल की वारंटी है प्रोडक्ट की और 25 ईयर्स की वारंटी। ये इंद्रेक्स है, ये है 550 वोल्ट, ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये काम करता है 49.80 वोल्ट। इसके अंदर भी जो सीरियल नंबर है वो इम्पोज हुआ हुआ होता है। ये मस्टैंग इसका जो मॉडल है वो है, और ये इसकी डेट ऑफ परचेज डली हुई है। इसमें 144 सेल्स होता है। अगर आज ही प्लेट पे शेड पड़ा है तो आधे पे जो है वो ये वर्क करेगी। अच्छा जी, अबर वाला मौसम होता है जैसे कि धूप नहीं है या कम धूप है उसमें भी ये काम करेगी। इसी चलाना है तो कम से कम भी जो है वो 2.5 kVA का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, उसके साथ जो है वो ये तकरीबन 6 प्लेट्स लगेंगी। ये है X1200, ये सोलर UPS दोनों, इन्वर्टर UPS दोनों है, दोनों तरीके से काम करता है। वेरॉन, ठीक है, 2023 का मॉडल है। इसके प्राइस है 3.2 है, ये 550 वाली जो मैंने अभी आपको मस्टैंग की दिखाई। एम्पियर एम्पलीट्यूड भी सपोर्ट है, तो इसका मतलब ये है कि जो 600 वाट वाली प्लेट होगी ये उस पर भी वर्क करेगा। ये विदाउट बैटरी भी वर्क करता है। 5 साल की इसकी वारंटी है, 3 साल इसकी सर्विस की वारंटी। इसकी तरफ आ जाते हैं, ये इसकी डेटा शीट है, जैसे इसकी डेटा शीट पे भी आप देख सकते हैं मेंशन। इसकी तरफ अगर आते हैं तो 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर है, इसमें 2 बैटरियां लगती हैं। 80 एम्पियर पे सोलर से बैटरी को चार्ज कर सकता है करता है, और ये 450 VDC से जाता है। प्लेट जो है वो 48 वोल्ट की है। ठीक है, ये 4 प्लेटें लगेंगी इसमें मिनिमम, तो ये ऑन होगा। सर आप देख सकते हैं कि 4000 वाट तक जाने की कैपेसिटी है। ये 6 किलोवाट इनविरिक्स का है नाइट्रॉक्स मॉडल, ये वाटर रेजिस्ट है IP65। वाईफाई मॉड्यूल मौजूद है जिस तरह मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर ये है कि इसको आप अपने मोबाइल से जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। मेंटेनेंस फ्री है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। 5 जो है वो कंप्लेन रेशो है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये 2 प्लेटें एट अ टाइम फ्रेम पे अटैच हो जाती हैं। ये जो है वो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ से हमारी सारी एडिटिंग होती है, मार्केटिंग होती है। अगर कोई 25 किलोवाट का सिस्टम लगाता है तो मैं उसमें ये भी बताता चलूँ कि ये जो है वो एक दिन के अंदर 24 यूनिट बनाता है, 720 पूरे महीने में। ये सारा टॉप क्वालिटी का हमारे पास मटेरियल होता है, शनाइडर के एम्ब्रे का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान केबल्स की केबल्स इस्तेमाल करते हैं। असल कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ जावेद सत्तौर, एक बार फिर मैं आपकी खदमत में हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ सोलर पैनल का, और वो भी इनविरिक्स के। ये इनविरिक्स की आउटलेट है, इनके पास सोलर पैनल है इनविरिक्स के, और उसके पास जो है इन्वर्टर भी मौजूद है। और जिस तरह डॉलर के रेट कम होते जा रहे हैं, उसी तरह सोलर पैनल के रेट में भी ज़बरदस्त कमी आ रही है। इसके बारे में पूरी मालूमात लेंगे। अगर आपको सोलर पैनल का पूरा सिस्टम लगाना है, 1 kV से लेकर 100 kV तक वो ये सिस्टम भी लगाते हैं, तो आए बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ, इससे पहले अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजन। वालेकुम सलाम भाईजन। व्यूअर्स को अपना नाम बता देगा? मोहम्मद अयाज इकबाल। अयाज भाई, अपनी शॉप का एड्रेस बता दीजिएगा, आपकी शॉप कौन सी जगह पे है? ये मेन व्हीकल पर है, शॉप का एड्रेस है 10A रहमान मेंशन, सदर कराची। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से इन्वर्टर होते हैं? ज्यादातर आपका इनविरिक्स के हवाले से हुआ हुआ है, तो इनविरिक्स के होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं? सारे प्रोडक्ट इनविरिक्स के होते हैं। ठीक है, इन्वर्टर्स में भी और पैनल्स में भी। ये इनविरिक्स हमारे पास मौजूद है मस्टैंग। ठीक है, थोड़ा पहले बता दीजिएगा कि जैसे अभी कुछ रेट में कुछ फर्क आया है, डॉलर तो कम हुआ है, तो कुछ कमी पेशी का हुआ है या क्या? रेट थोड़े से कम हुए प्लेटों के, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि प्लेट जो है वो 80 रुपए पर वॉट की। ठीक है, जो है वही प्लेट जो है वो 76 रुपए पर वॉट पर जो है वो हम सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले बता दीजिए आपकी किस रेंज से, यानी कि छोटे से छोटा कम से कम वाला, जैसे 180 में आता है 170, तो कम से कम कौन सा है और बड़ी साइज वाला? 180 वॉट में सबसे कम वाला पैनल हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त। और अच्छा, वो कौन सा? ये वाला, जैसे ये इसका बॉक्स है। जी जी, ये इसका बॉक्स है। ठीक है, ओपन पैनल पड़ा हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये ओपन पैनल यहाँ पड़ा हुआ है, 170 वाला, 180 वॉट, सॉरी 180 वॉट, ये 180 में है। ये देखें, इसका ये पैनल पड़ा हुआ है और ये इसका ये बॉक्स पड़ा हुआ है। तो ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, जैसे ये है इसकी प्राइस आज की क्या है, और ये मोनो पर जिस तरह पूरा इसका लिखा हुआ है, जैसे सोलर एंड, इसके प्राइस है 17,500 के। ठीक है, और ये जो छोटे इन्वर्टर होते हैं X1200 X2400 उनके साथ काम करता है, बाकी ये एक MPPT कंट्रोलर के साथ भी काम करता है। ठीक है, इनको 2 पंखे 2 लाइटें चलाने, छोटा सेटअप चलाना है, तो ये प्लेटें उनमें जो है वो काम एफिशिएंसी से करती हैं। बिल्कुल,
अच्छा ये जो है वो इसका सीरियल नंबर है, ये इसमें अंदर एम्बोज हुआ हुआ है ग्लास के अंदर, ये ग्लास ब्रेक होगा तो ये सीरियल नंबर जो है वो बाहर आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एनवरिक्स का लोगो है और ये इसकी डेट ऑफ परचेज है। अच्छा, ये डेट ऑफ परचेज भी इस पे लिखी होती है। जी बिल्कुल, ये कब जो है वो चाइना से मेक हुई है और 3 महीने लगते हैं तकरीबन वहां से इसको यहाँ निकलने में। ठीक है, पाकिस्तान आने में उसके बाद जो है वो ये कंपनी में आती है और फिर कंपनी से जो है वो ये मार्केट की तरफ लॉन्च होती है। ये इसका वारंटी कार्ड है। अच्छा, ये देखें वारंटी कार्ड भी इसका मौजूद है इसके साथ। ये थोड़ा दिखाएगा जैसे ये देखें, ये वारंटी कार्ड है इसका। अच्छा, डेट जो इसमें मेंशन होगी उसमें तब से ही वो वारंटी होगी जब से वो बंदा लेगा परचेज करेगा। जिस दिन परचेज होगी उस दिन से वारंटी स्टार्ट होगी। ये डेट ऑफ परचेज है जब ये वहां से आया है। ठीक है जी बिल्कुल। ये देखें इसका बैक साइड थोड़ा दिखा दीजिएगा, जैसे इसके बैक साइड कितने एम्पियर होते हैं, क्या दे रहा होता है। ये इसका वायर देख लें, ये शॉर्ट वायर में आती है, बाकी जो प्लेटें होती हैं, लेकिन इंद्रेश फादर ने जो है वो इसके अंदर ये पीवी कनेक्टर साथ लॉन्ग वायर दिए हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 9 एम्पियर तक जाती है, 9.50 तक। जी बिल्कुल, और इसका जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो आप देख सकते हैं 25.35 पर जो है काम करता है, 180 वाट्स की प्लेट है। ठीक है, और जैसे आपने वारंटी कार्ड दिखाया तो उसकी 10 साल की वारंटी होती है इसकी 10 ईयर्स की वारंटी होती है प्रोडक्ट की, 25 ईयर्स की वारंटी होती है लाइफ। अच्छा, लाइफ की। और उसके अलावा बड़े की तरफ बातें तो बड़े में कौन सा दिखा रहे हैं, बड़े की तरफ आते हैं तो बड़ा जो है वो बड़ी प्लेट 550 वाट पे काम करती है। ठीक है, इसका जो है ओपन वाट, ये कौन सी कंपनी की है, ये भी इनवरिक्स है। इनवरिक्स इसका ब्रांड इनवरिक्स है, इसका मॉडल मस्टैंग है। आप देख सकते हैं ये मस्टैंग मॉडल है, ये 550 की है। जी, ये 550 वॉट प्लेट है। ये इसका ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 49.80 वोल्ट है और ये जो है वो तकरीबन जो है वो 14.01 एम्पीयर तक जो है वो काम है। 14, और इसकी आजकल आपने क्या बताया रेट, इसके आज के क्या रेट है। आज 76 पर वॉट, 76 पर वॉट। ठीक है, उस वक्त जब मनाया था तो जब आप मेरे पास उस वक्त आए थे तो मैंने आपको कहा वो है 80 रुपीज पर वॉट। ठीक है, ये जो है वो, और इसकी भी 10 साल की वारंटी और वो होती है, इसकी 12 साल की वारंटी है प्रोडक्ट की और 25 ईयर्स की वारंटी है। ठीक है, और उसमें भी जिस तरह बार कोड लिखे होते हैं इस तरह के, इसी तरह बिल्कुल इसके अंदर भी ऐसा ही है। ठीक, मस्टैंग मॉडल लेन, इसी तरह इसके अंदर भी जो सीरियल नंबर है वो इम्पोज हुआ हुआ होता है, ये देख सकते हैं। ठीक है जी, ये भी ग्लास के अंदर ही इम्पोज हुआ है। ये मस्टैंग इसका जो मॉडल है वो है और ये इसकी डेट ऑफ परचेज डली हुई है 3/5/2023। ठीक है, ये इसका वही बैक साइड है और ये फ्रंट इसका ये है और ये फ्रंट देख सकते हैं 550 के जी, इसमें 144 सेल्स होता है। ठीक है, और इसकी भी वारंटी जो मैंने आपको बताई 12 साल की इसकी वारंटी है प्रोडक्ट की और 25 ईयर्स की वारंटी है लाइफ। ठीक है, और इसके आपने क्या, अच्छा जी, इसमें बाकी ये हाफ कट मोरोक्लिस्ट लाइन है इसका। हाफ कट में ये है कि जैसे अगर आधे इस पे जी आधे इस पे जो है ये काम करती है, जब अगर आधे पे शेड भी पड़ रहा है, अगर आधी प्लेट पे शेड पड़ रहा है तो आधे पे जो है वो ये वर्क करेगी। अच्छा, वर्क करेगी शेड जी, आधे पे ये वर्क करेगी, अगर आधे पे शेड भी पड़ रहा है तो आधे पे ये वर्क करेगी। ठीक है, यानी कि कम लाइट हो तो उसमें तो पूरा करेगी, लेकिन बिल्कुल जब शेड, और अगर बर वाला मौसम होता है जैसे कि धूप नहीं है या कम धूप है उसमें भी ये काम करेगी। ठीक है, ये देखें इस पे, और इसके आपने क्या रेट बताए थे इसके, 76 रुपीज पर वाट के हिसाब से है। ठीक है, अगर एक बंदे को एक एसी चलाना है तो उसके लिए कितना सिस्टम लगाना पड़ेगा उसको, कम अगर एक एसी सिर्फ चलाना है तो उसके लिए कम से कम भी अगर 1 टन एसी है जो वो तकरीबन टॉर्क लेता है 1500, तो कम से कम भी 3 प्लेटें लगेंगी अगर सिर्फ एसी चलाना है। और अगर अदर अप्लायंसेस 3 प्लेटें ये वाली, जैसे जैसे कम से कम एक एसी हो, 2-3 पंखे भी जाए घर में होंगे, कुछ लाइट, तकरीबन वो ये होगा फिर किस पे जो है वो 4-6 प्लेट्स लगेंगी। अच्छा, उसके भी फिर अगर 1 टन वाला एक एसी है इन्वर्टर वाला तो वो चल जाएगा और उसके बाद अदर अप्लायंसेस चल जाएंगी। नहीं तो कुछ थोड़ा आगे पंखे वगैरह। ठीक है, आसान अल्फाज में बताइएगा कि कितने केवी का सिस्टम वो लगाना लगाए। ये तकरीबन अगर एक एसी चलाना है तो कम से कम भी जो है वो 2.5 केवी का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, उसके साथ जो है वो ये तकरीबन 6 प्लेट्स लगेंगी। क्योंकि तो एक राउंड अबाउट उसका क्या खर्चा हो सकता है अभी आज के जो रेट है, तकरीबन जो है वो खर्चा जाएगा 6-6.5 लाख रुपए, 6-6.5 लाख में 2.5 वाट तक का जाएगा खर्चा। ठीक है, उसमें देख सकते हैं ये, और उसके अलावा आपके पास ये जैसे ये कि जो है इन्वर्टर रखे हुए हैं इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, जैसे इन्वर्टर के वो छोटे छोटा वो जी जी छोटे सारे से करना। ठीक है, ये है X1200। ठीक है, इन्वर्टर से X1200 ये सबसे इनका छोटा मॉडल है, ये तकरीबन आउटपुट देता है 900 वाट। ठीक है, और इसके साथ जो सपोर्ट होती है वो होती है छोटी वाली प्लेटें, बड़ी प्लेटें इसमें नहीं लगती, 180 वाट वाली प्लेटें इसमें लगती है। ठीक है, और ये एज अ यूपीएस भी आप इसको चला सकते हैं, ये सोलर यूपीएस दोनों, इन्वर्टर यूपीएस दोनों है, दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसके आज के रेट क्या है, इसके आज के रेट है 40,000।
40,000 ठीक है। ये देखें इसके बाद कौन सा है, इसके बाद के बाद आप आते हैं तो इसके बाद जो है वो आपको हमारी शॉप पे मिलेगा 3.2 ठीक है। ये देखिए इसका मॉडल है वेरॉन ठीक है, 2023 का मॉडल है, इसके प्राइस है 171 ठीक है। ये कौन सा सिस्टम के लिए लगता है जैसे ज्यादातर? ये तकरीबन लगेगा 3 किलोवाट का सिस्टम है, ये 3.2 है, ये 3200 वाट पे जो वर्क करता है, इसके साथ लगती है बड़ी वाली प्लेट है 550 वाली जो मैंने अभी आपको मस्टैंग की दिखाई। और दूसरा ये है कि ये है 18 एम्पीयर सपोर्ट पे, तो इसका मतलब ये है कि जो 600 वाट वाली प्लेट होगी ये उस पर भी वर्क करेगा ठीक है, 600 वाली भी वर्क करेगा बिल्कुल, न्यू डिजाइन है ये। अच्छा दूसरा ये कि इसके अंदर ये विदाउट बैटरी भी वर्क करता है ठीक है, इसमें बैटरी लगाने की आपको जरूरत नहीं, जो बैटरी नहीं लगाना चाहते और सिर्फ दिन दिन में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना वो बैटरी भी काम करेगा ठीक है। ये देखिए 18 एम्पीयर से इसमें लिखा हुआ है जी, ये 18 एम्पीयर सोलर चार्जर इसके अंदर बिल्टन है, बिल्टन ग्रिड फीडिंग है, लेकिन ग्रिड फीडिंग कराची में अलाउ नहीं है, तो ये कराची वालों के लिए नहीं हो सकेगी पॉसिबल। अच्छा तो कराची से बाहर, कराची से बाहर बाकी जहाँ वापता है बाकी और कंपनीज हैं बिजली की, वो जो है वो इस पे बिल्टन ग्रिड फीडिंग है, आप ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं ठीक है। जिस तरह इसका आपने बताया 5 साल इसकी वारंटी होती है, 5 साल की इसकी वारंटी है, 3 साल इसकी सर्विस की वारंटी है, 2 साल इसकी प्रोडक्ट की वारंटी है। ये देखिए लिखा हुआ है 3 साल प्रोडक्ट की और 2 साल प्रोडक्ट की और 3 साल सर्विस की वारंटी इसके ऊपर मेंशन हुआ है जी, इसके ऊपर ठीक है। रेडी, अब इसकी तरफ आ जाते हैं, ये इसकी डेटा शीट है, जैसे इसकी डेटा शीट पे भी आप देख सकते हैं कि मेंशन है कि ये 230 VAC पे काम करता है। बैटरी वोल्टेज की तरफ अगर आते हैं तो 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर है, इसमें 2 बैटरियां लगती हैं ठीक है, 12-12 वोल्ट की, अगर आज इस पर जो भी बैटरी लगाना चाहे तो वो 24 वोल्ट, इस पर 12-12 वोल्ट 2 बैटरियां लगा सकते हैं। उसके बाद इसकी मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट है 80 एम्पीयर, ये 80 एम्पीयर पे सोलर से बैटरी को चार्ज कर सकता है। इसी तरह KE से भी, ये मैक्सिमम AC चार्ज करंट लिखा हुआ है, ये KE से भी 80 एम्पीयर तक के चार्ज कर सकता है बैटरी को ठीक है जी। अब इसके ऊपर आ जाएं, ये है इसका मैक्सिमम MPP रेंज ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये जाता है इसका 120 से ट्रिगर करता है और ये 450 VD से जाता है ठीक है। अच्छा 120 to 450 जो जा रहा है, 122 मतलब एक प्लेट जो है वो 48 वोल्ट की है ठीक है, तो ये 4 प्लेटें लगेंगी इसमें मिनिमम, तो ये ऑन होगा। उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4000 वाट तक जाने की कैपेसिटी है, ये मॉडल है 3.2 लेकिन इस पे 4000 वाट तक जाने की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे आप 8 प्लेटें भी लगा सकते हैं ठीक है, ये 8 प्लेटों पर भी काम करेगा 550 वाली और 600 वाली ठीक है। इसकी आपके प्राइस क्या बताई थी इसकी? इसकी प्राइस है 171,000 ठीक है। इसके अलावा दूसरे की तरफ जाते हैं, ये मॉडल सेम यही मॉडल है 3.2, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये है 48 वोल्ट, 48 वोल्ट का मतलब है कि इसमें 2 की जगह 4 बैटरियां लग सकती हैं, और बाकी सारे फंक्शन इसके भी उसी तरीके से हैं कि ये विदाउट बैटरी काम करता है, ये भी 4000 वाट तक जाता है, ये भी मिनिमम चार प्लेटों पर ऑन होता है और 8 प्लेट तक ये वर्क कर सकता है ठीक। अच्छा जी, इसकी जो प्राइस है वो है 1,75,000 ठीक है। उसके इसमें वाईफाई मॉड्यूल मौजूद है जिस तरह मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर ये है कि इसको आप अपने मोबाइल से जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं 24 आवर, कितनी बिजली बना रहा है, बैटरी कितनी सेव कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी आप जो है वो मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस फ्री है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये आप विदाउट मेंटेनेंस है, इसको आप ओपन एरिया में लगाएं, वाटर रेजिस्ट है, डस्ट किट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है इसमें इसकी। और इसकी वारंटी, टोटल इसकी वारंटी जो है वो 5 साल की है, 5 साल टोटल वारंटी, टोटल वारंटी 5 साल की है, प्रोडक्ट की वारंटी, सर्विस मेंटेनेंस वारंटी इसकी है नहीं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस की इसमें जरूरत नहीं है ठीक है। इसमें 0.5 जो है वो कंप्लेन रेशो है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसमें बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं है, बहुत ज्यादा सेल होने वाला आइटम है। और इसके अंदर तकरीबन जो है ये 14 प्लेट तक आप इस पर लगा सकते हैं, ये है 6 किलोवाट लेकिन इसमें तकरीबन 14 प्लेटें इसमें और 2 प्लेटें और बढ़ के लग सकती हैं ठीक है, 550 वाली जी, 550 वाली बड़ी प्लेट ठीक है। अच्छा जी, ये है इसका फ्रेम जिसपे ये 2 प्लेटें एट अ टाइम इस फ्रेम पे अटैच हो जाती हैं, अगर कोई 6 प्लेटें लगाना चाहता है तो उस पर 3 फ्रेम लेगा उस पर लगाएगा, अगर कोई अपनी छत पे लगाना चाहता है ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये पाउडर कोटिंग वाला फ्रेम है ठीक है, बिल्कुल ये न्यू हमने बनवाया है खास कस्टमर्स के लिए, क्योंकि इस तरीके का फ्रेम मार्केट में मिलता नहीं है, तो ये हमने बनवाया, ये इसके साथ प्लेटों के साथ जो है वो आप ये भी परचेज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो है, इसके जिन लोगों को अपनी छत पे स्ट्रक्चर बनवाना होता है और वो ये नहीं चाहते कि फ्रेम लगे जिससे उनकी छत का स्पेस खत्म हो जाए, तो स्ट्रक्चर भी हमारे पास अवेलेबल होता है, वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी हम बना के देते हैं, उसके लिए भी सारा मटेरियल। और दूसरी चीज़, शॉप के साथ साथ ऊपर हमारा ऑफिस है इलेक्ट्रिक सोल के नाम से,
जो कि है हमारे इंस्टॉलेशन का, जहाँ पे सारी इंस्टॉलेशन वगैरह होती है, जितनी भी आपने जितने किलो वाट पे भी इंस्टॉलेशन करवानी है वो हम प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल एक एक चीज़ उसके अंदर जो जो लगती है, लेबर, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें वो सब जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी ऊपर इंस्टॉलेशन की कंपनी है, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, रेडी। ओके जी, ये जो है ये इसकी प्राइस है 5500, जो बड़ा वाला फ्रेम मैंने आपको दिखाया, और इसी की तरह ये 180 वाट के साथ सपोर्टेड वाला जो छोटा फ्रेम है इसकी प्राइस है 2500। और ये सिर्फ आपके चैनल के लिए ऑफर है, अगर आपके चैनल जावेद भाई के चैनल से कोई आता है तो ये ऑफर सिर्फ उनके लिए। ठीक है, उसके अलावा वैसे ज्यादा रेट है, लेकिन आप जी वैसे ये आपके चैनल के लिए डिस्काउंट है, आपके चैनल पे डलता तो इसके हिसाब से डिस्काउंट है। भाई ना, आप ये बताइएगा कि अगर किसी को पूरा सेटअप लगवाना है तो आप पूरा सेटअप भी लगा के देते हैं, कितने वार से कितने वार तक होता है, पूरी आपके पास टीम मौजूद होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल ऊपर जो है सॉलिड की कंपनी है, आए मैं आपको उसका विजिट करवा दूं। इस तरह मैंने आपको बताया था इंस्टॉलेशन के लिए, आपने मुझसे पूछा, तो इंस्टॉलेशन का ये हमारा ऑफिस है, इलेक्ट्रो सोलिस का नाम है। ये जो है वो हमारा मार्केटिंग डिपार्ट है, यहाँ से हमारी सारी एडिटिंग होती है, मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट्स की। ये हमारा पूरा इलेक्ट्रो सोल का पेज है जहाँ पे हमारी अपलोडिंग होती है, जितने भी हमारे जो है वो हमने साइट्स अभी तक लगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह 250 से ऊपर साइट्स अभी तक हम लोग लगा चुके हैं ऑल ओवर कराची, कराची से बाहर भी। और ये हमारा अकाउंट्स डिपार्ट है, यहाँ पे सारा अकाउंट्स जो है वो हमारा सारा काम होता है। बाकी ये जितना एरिया यहाँ पे हम सारी जो है वो डीलिंग करते हैं क्लाइंट से, इंस्टॉलेशन वगैरह के हवाले से। ये हमारी कंपनी का नेम है जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रो सोल। ठीक है, आपका छोटे से छोटे प्रोजेक्ट से लेके बड़े कितने तक काम, छोटे प्रोजेक्ट से लेके बड़े से बड़े तक, किसी को 1 किलोवाट लगाना है या किसी को 100 किलोवाट लगाना है, सारी सारी चीजें जो है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, 100 किलोवाट तक आप सिस्टम लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, 100 किलोवाट तक का जो है वो सिस्टम हम लगा सकते हैं। ये हमारा सेटअप जो है वो अभी हमने रिसेंटली लगाया 25 किलोवाट का DHA कराची में, ये पूरा इंडस्ट्रियल गार्डन के ऊपर लगा हुआ है 25 किलोवाट से। तो इसी तरह ये हमारा नंबर नीचे आ रहा है 0334166 3756। जी, ये ऑन ग्रिड है, रिवर्स मीटरिंग पे जो होता है, जो के इलेक्ट्रिक से रिवर्स मीटरिंग होती है, ये वो वाला सेटअप हमने लगाया हुआ है। ये सिविल पैड की थ्रू पूरा जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये वॉकवे दिया हुआ है इसकी सफाई वगैरह के लिए। ये कितने केवी का सिस्टम है? ये 25 किलोवाट, 25 किलोवाट का है। ठीक है, ये देखें पूरा इनका सिस्टम ये लगाया हुआ है। जिस तरह ये मैंने आपको बताया अभी सिस्टम के हवाले से, तो अगर कोई 25 किलोवाट का सिस्टम लगाता है तो मैं उसमें ये भी बताता चलूं कि ये जो है वो एक दिन के अंदर 24 यूनिट बनाता है, 720 पूरे महीने में यूनिट बनाता है 25 किलोवाट का, अगर कोई सिस्टम लगवाता है ऑन ग्रिड तो। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, इसी तरह हमारा ये पेज बना हुआ है, इस पर जिसको भी इंस्टॉलेशन करवानी हो वो इस पर आप विजिट कर सकते हैं, सारे हमारे सिस्टम्स को देख सकते हैं। जिस तरह ये सारा पूरा काम हुआ है भाई, ये हमारे ब्रेकर सारा टॉप क्वालिटी का हमारे पास मटेरियल होता है, शनाइडर के हम ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के बिजली केबल्स इस्तेमाल करते हैं, सारा जितना भी मटेरियल है वो सब टॉप क्वालिटी का होता है। ठीक है भाई, ने ये बता दिएगा कि आपका कोई व्हाट्सएप नंबर हो जिससे लोग रब्ता कर सकें आपसे, तो उसके नंबर बता दिएगा। जी बिल्कुल, ये हमारा नंबर ये हमने मैंशन किए हुए हैं दोनों, 0334166 3756, और दूसरा नंबर है 0333-339-1961। ठीक है, मेहरबानी।